ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आपके पास आए हैं और वो ये है कि क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, माइंड में क्या है उनके, रीयूनियन है या नहीं है। सो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था। सो इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के भी करंट सिचुएशन क्या है, फिलहाल क्या सिचुएशन से माइंडसेट से चल रहे हैं, प्लस फिर हम देखेंगे क्या वो रीयूनियन चाहते हैं या वो उसी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं करनी है और इसे नाम राशि, सन साइन या मून साइन, जो भी आपको मैच करे जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाए, सो जितनी रेजोनेट हो उतनी इसे देखें। एक और बात कि रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे रखें ताकि आपको सारी के सारी वीडियोस जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पर हम अब शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। सो कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो फ्रेंड्स, हम ये रीडिंग करने लगे हैं आपके पार्टनर के तरफ से, देखने वाले हैं कि क्या अगर आपके पार्टनर फील करते हैं, प्लस क्या वो रीयूनियन चाहते हैं या नहीं। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स एकदम ही गिर गए, जस्ट उठा लेती हूँ इनको। ओके, सो क्या है करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की। तो कार्ड्स निकालते हैं। पास्ट लाइफ्स, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, शेयरिंग, द रिबेल एंड लेजीनेस। देखिए, अगर आप इनकी करंट सिचुएशन देखें और समझें तो ये जो पर्सन है, इसने पहली बात तो जो आपकी लाइफ में ये आया है ये डेस्टाइंड था, यानी कि ऊपर वाले ने सोचा था कि इसको आपकी लाइफ में लेके आना है। ऐसे ही नहीं आई है आपकी लाइफ में, तो आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था। अभी आपके साथ अच्छा कर्मा किया है या बुरा, ये तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप देखेंगे। बट जो ये पर्सन फ़िलहाल सोचता है, मैं वो बताती हूँ। मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें की हैं कि या तो ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया है किसी चीज़ के, या इसने आपको दिखाया ऐसा, या किसी से बहुत बंधे हुए रहते हैं, यानी कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा बांध के रखता है, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चलाते हैं। ये हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इन्हें अपनी खुशियाँ, अपनी हर एक चीज़ दिखती है। फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है इनकी जो सिचुएशन है, डिवाइन ने इनको ये लेसन देने के लिए से बुला भेजा था इस संसार में, या आपके साथ एक जो बॉन्ड बना था कि ये चीज़ों में जो इनकी कमियां हैं वहां पर ये काम करें कि लोगों के साथ कैसे मिलकर रहें, अपने गिफ्ट्स लोगों के साथ कैसे बांटें। जो डिवाइन ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं विनम्रता के, स्वभाव अच्छी चीज़ों के, ये सब चीज़ें हम लोगों के साथ कैसे बांट के लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन इनका जो बेसिक नेचर है वो ये है कि हर चीज़ में अपनी मनमानी करना, दूसरों की बातों को ना सुनना, या फिर सामने वाले को डोमिनेट करना, और इन सब चीज़ों की वजह से कि एक और बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है इनके अंदर, वो है लेज़ीनेस। आपसे अगर ये नो कांटेक्ट में आए हैं और दूर हो गए हैं या बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ इन्हीं का किया हुआ है, कुछ इस जन्म का है और कुछ पिछले जन्मों का है। ये आप लोगों का एक ऐसा पुराना बॉन्ड है जो मुझे दिख रहा है, और ये इनकी करंट सिचुएशन चल रही है। अभी ना ही ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो अभी भी इनके ऊपर बहुत हावी हैं। सो इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अब हम देखते हैं क्या ये आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, क्या इनके माइंड में कोई एक्शन है। सो क्या ये एक्शन लेंगे आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, फोर ऑफ कप्स एंड
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे तो ये दिख रहा है कि ये आपके साथ है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए आपके रिलेशनशिप में, एनर्जी वाइज ये अभी भी आपके साथ फंसे हुए हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ग्रोथ भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रही है, इन्होंने अपने रिबेलियस बिहेवियर की वजह से बहुत बुरी तरह आपको अपने से दूर किया है। आप चाहते भी होंगे ना अगर कि इनके साथ जुड़कर चीज़ों को ठीक करना, इनके साथ आगे बढ़ना, आप नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज़ की वजह से इनको खुद बहुत उदासी आती है कि देखो मैंने कितनी बुरी तरह से उसको लड़ाई करी या इतनी बुरी तरह से उसको दूर किया अपने आप से कि आज मैं चाहकर भी उसको अपने साथ में नहीं रख पा रहा हूँ या नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी या मैंने उसको इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया या कोई ऐसा काम या कोई ऐसा वक्त जिसमें आपने इनका सपोर्ट चाहा हो और इन्होंने आपको ना कर दिया उस इम्पॉर्टेंट टाइम पे जिससे आप बहुत बुरी तरह हर्ट हुए। सो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि फ़िलहाल वो चाहते भी हैं ना आपके साथ चीज़ें करना ठीक, पर क्योंकि इन्होंने इतना अबैंडनमेंट क्रिएट किया ये नहीं कर पा रहे चीज़ों को ठीक, ठीक है। सो फिलहाल तो वो रीयूनियन के बारे में सोच नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिविटी, उनका अपना खुद का नेगेटिव बिहेवियर। सो डिवाइन आपको क्या कहते हैं करने को, आइए देखते हैं। सो कैंसर राशि को डिवाइन क्या कहते हैं प्लीज़ बताएं। डिवाइन आपको कहता है आपको ट्रस्ट रखना है, सबसे पहला गॉड पे और दूसरा खुद पे। अगर आप ट्रस्ट रखेंगे आपको जो भी मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। ये कोई इम्पॉर्टेंट लेसन था इस पर्सन के साथ जो मिलना था और वो भी पास्ट लाइफ लेसन था, सो उसे उसी तरह से लें, अपने आप को कम मत समझें, ठीक है। एंड सक्सेस, आगे सक्सेस मिलेगी। मे बी आज आपको लग रहा है कि लाइफ ने आपके लिए सक्सेस नहीं रखी थी, डिवाइन ने आपको बहुत बुरी तरह इस पर्सन के थ्रू हराया है, ऐसा नहीं है। डिवाइन, आप डिवाइन के ही चाइल्ड हैं और वो आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कुछ सिखाना था, उस पर्सन को कुछ सिखाना था जिस वजह से ये सारी चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं। सो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, आप होपफुल रहें बस, ठीक है, अपना अच्छा करें। सो ये है माय डियर कैंसर राशि आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। फ्रेंड्स अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रीडिंग को लाइक करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।